वेलकम टू राम सर इंग्लिश अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं नरेश आपके सामने करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट है, भारतीय सेना में कितने वर्ष बाद दो तोहफों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है 30 वर्ष बाद शामिल किया गया है। दोस्तों भारतीय सेना में 9 नवंबर 2018 को दो तोहफों को शामिल किया गया है। 30 साल के लंबे समय के बाद भारतीय सेना में किसी तोहफे को शामिल किया गया है जिनमें एक अमेरिकन तोहफा है और दूसरी कोरियन तोहफा है। इसकी विशेषता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। इसकी विशेषता है इन तोहफों की मारक क्षमता 31 किलोमीटर है। दोस्तों 15 सेकंड में यह 3 राउंड फायर करेगी। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह सड़क हो या रेगिस्तान दोनों जगह पर समान स्पीड यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रफ्तार से दौड़ सकती है। दोस्तों ये मेक इन इंडिया के तहत दक्षिण कोरिया की कंपनी भारत के साथ 90 तोप बनाएगी और बाकी 10 सीधे दक्षिण कोरिया से आएंगी। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा से चलने वाली पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज डिवाइस का आविष्कार कहां पर किया गया है? इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास में इसका आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट है, कनाडाई एग्रीकल्चर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कनाडाई कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है पीटर ढिल्लो। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर T20 सीरीज जीती है? इसका राइट आंसर है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को हराकर भारत T20 सीरीज जीत ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व रेलवे साइकिलिंग प्रतियोगिता का आगाज कहां हो रहा है? इसका राइट आंसर है बीकानेर में। बीकानेर में विश्व रेलवे साइकिलिंग प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य आश्रय निधि लॉन्च करने के लिए सेबी ने किस राज्य को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है सिंगापुर में शुरू हुआ है। हाल ही में ब्रिटेन में प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर करेज अवार्ड किसने जीता है? इसका राइट आंसर है स्वाति चतुर्वेदी ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत में हर वर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक अंटार्कटिक हिमनदी को खोजा है? इसका राइट आंसर है नासा एजेंसी ने खोजा है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? आपको अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप करंट अफेयर क्वेश्चन और जीके के मोस्ट क्वेश्चन और साइंस के मोस्ट क्वेश्चन आप देख सकें, आप अपनी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।